excellence, myself Preeti Trivedi, and I am here with all of you for your preparation of SS6 exam. So friends, let's start. तो फ्रेंड्स एवरेज की क्लासेस कर चल रही थी हमारी. एवरेज में हम लोगों ने अपना दो वीडियोस कंप्लीट किया था, दो क्लासेस हुई थी हमारी, जिसमें हमने फर्स्ट में जाना था कि एवरेज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद में हमने सेकेंड वीडियोस में देखा था कुछ नंबर्स के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके कुछ फार्मूलाज जाने थे, कुछ थोड़ी सी देन सॉल्विंग भी की थी कि किस तरीके से हम अपना दिमाग को यूज करके बिना किसी फार्मूले के कैसे एवरेज निकालते हैं. ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला वही है, हम लोग एक मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. लेकिन आज हम कुछ धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं, जो इसमें कि हम बिना बैट और बॉल, जो कि हमारा होता है पेपर और पेन, उसके मदद के करेंगे. ठीक है, तो पहले आप आज यूज कर लीजिए थोड़ा सा पेपर पे, थोड़ी सी छूट देने लीजिए स्टार्टिंग में. ठीक है, थोड़ी सी अभी नेट की प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद में आपको नहीं मतलब ये पेन और पेपर यूज करना है, आपको जस्ट ओरली करना है. देखिए कैसे करते हैं, हम आपको आपके तरीके भी दिखाएंगे, उसके बाद में जो हम अपने तरीके से करने वाले वो भी दिखाएंगे. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है मैथ्स में, बहुत सारी जगह से बहुत तरीके से क्वेश्चन, कोई भी हो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, तो उससे बढ़ जाता है माइंड में पूरा कचरा, जिसकी वजह से जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन से तरीके से करें, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करें. इसलिए ऐसी चीज याद कीजिए जो आपको हर क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल हो जाए, यानी आपका माइंड. तो एवरेज में आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाना है. कैसे करना है आइए देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है. एक नॉर्मल बेसिक सा लेके चलेंगे, लेकिन आपका वो बेसिक जो है सभी क्वेश्चंस की जड़ होगा. क्वेश्चंस कैसे दिया होता है, क्वेश्चंस आपको दिया होता है कि x पारियों का औसत y है. ठीक है, तो इसका मतलब आपके रन हो जाते हैं एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई रन हो जाते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि उसने कि मतलब एक्स वाई रन बनाए हैं एक्स पारियों में, तो आप क्या निकालोगे, औसत आपका वाई हो जाता है. क्लियर, ये चीज बहुत बेसिक थी जो कि हम एवरेज में फर्स्ट सीख चुके हैं, बस आपको याद दिला रही थी. ठीक है, तो आपको ये चीज बस आपको एवरेज का एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए. एवरेज होता क्या है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए उससे क्वेश्चंस कैसे करते हैं. पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बैट्समैन ने 17वीं इनिंग में 87 रन बनाए हैं और उसका एवरेज 3 बढ़ गया है, प्रेजेंट का एवरेज निकालना है. इफ ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन इन हिज 17th इनिंग, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 रन, तो फाइंड आउट करना है हमें प्रेजेंट एवरेज. यानी 17th इनिंग में कितने रन बनाए उसने, 87, एवरेज उसका कितना बढ़ गया, 3. फाइंड आउट क्या करना है हमें, प्रेजेंट एवरेज. आपका जो बेसिक क्वेश्चन होगा आप किससे करोगे, 17th का 87 है. ठीक है, 87 रन बनाए हैं, तो मान लो 16 पारियों में उसके तो जो एवरेज था एक्स था, यानी उसके टोटल रन कितने हो गए, 16x प्लस उसमें 17 का कितना जुड़ जाएगा, 87, तो आप कितना टोटल हो जाएगा एवरेज, यानी 17 और एक्स प्लस 3. ये आपका तरीका था. क्लियर, आपका बेसिक यही है जिससे आप करते हो. अहम देखो हमारा बेसिक बेसिक से भी बेसिक, कैसे आपका एवरेज कितना बढ़ा है, 3. 17वीं पारी में उसने इतने ज्यादा रन बना दिए हैं कि जो पहले वाली 16 थी और अब 17 है, उनका भी एवरेज 3 बढ़ गया. क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है आपके. एवरेज के क्वेश्चन एसएससी में भले कम आए, लेकिन आरआरबी में आने के इसके पूरे चांसेस है सेम क्वेश्चन के. ठीक है, तो आपका एवरेज 3 बढ़ गया है 17 पारियों का, यानी इसका जो 87 रन बनाए हैं ये 17 में 3 और ज्यादा बनाए हैं, यानी एक में उसने 3 ज्यादा बनाए तो 17 के कितने हो गए, 51 रन उसने और ज्यादा बना दिए, यानी उसको बनाने कितने थे, 36. यानी इन सबके बराबर आने के लिए उसको 36 थे सबके, जो कि इसको भी 36 बनाने थे, लेकिन इसने कितने बना दिए, 87. तो 36 उस समय का एवरेज था. इन्होंने पूछा है प्रेजेंट एवरेज, तो प्रेजेंट एवरेज कितना हो जाएगा, 36 प्लस 3 39. अब इस क्वेश्चन के लिए कभी आपको पेपर पेन की जरूरत पड़े कभी भी नहीं. आपका 17 का 87 था, 3 बढ़ गया है, 17 51 रन इसने एक्स्ट्रा बनाए हैं, 51 निकाल देंगे तो पहले वाला 36 आ जाएगा, और अब का पूछेगा तो 3 जोड़ देंगे 39 आ जाएगा. क्लियर, वेरी गुड. चलिए इसमें जिसको थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि आपने देखा एवरेज बढ़ गया. नेक्स्ट देखिए आपका एवरेज
घट गया। 11th इनिंग्स का जो कुछ था एवरेज वो कुछ भी था 11 इनिंग तक, 11th इनिंग नहीं, जो उसके टोटल 11 पारियों का औसत एक्स था कुछ भी था, मतलब उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 12वीं पारी में जो उसकी 12th इनिंग थी उसमें उसने 90 रन बनाए और उसका जो एवरेज था वो 5 कम हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका प्रेजेंट एवरेज। अब बच्चों देखिए 5 कम हुआ है, यानी 5 जो कम हुआ है वो 12 में से 5 कम हो गए, यानी 60 जो है कम हो गया। 60 कम हो गया यानी उसके बराबर लाने के लिए हमें कितना लाना पड़ेगा, 60 ऐड करना पड़ेगा 90 में, यानी 150 रन वो बनाता तो वो जो 150 उनके थे उसी के बराबर आ जाता, क्लियर। तो प्रेजेंट वाला एवरेज 5 कम हुआ है तो प्रेजेंट वाला एवरेज कितना जाएगा, 145, क्लियर। जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती उनको भी ये एवरेज का क्वेश्चन आ जाएगा। 11th इनिंग में कुछ भी उसका एवरेज था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाए, एवरेज 5 कम हो गया। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए यानी 12वीं इनिंग में 5 कम हो पड़ रहे हैं, पांचों उसके कम हो गए 12 इनिंग से, यानी उसने 60 रन कम बनाए हैं जो थे सबके, तो 150 रन बनाने थे उसने 190 रन बनाए, तो यानी उसका अब 5 कम हो गया एवरेज टोटल का, तो कितना एवरेज बचा, 145, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ना एसएससी सीजन में मेंस में आया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बहुत लेंथी प्रोसेस में बनाया जा सकता है और इसको हम देखना इतना छोटा सा करेंगे कि अगर किसी भी बैट्समैन के 14 इनिंग्स का एवरेज 50 है, 40 इनिंग्स का एवरेज 50 है, 40 पारियों का औसत 50 है, उसका जो अधिकतम स्कोर है यानी हाईएस्ट स्कोर और जो उसका न्यूनतम स्कोर है यानी लोएस्ट स्कोर, उनका जो डिफरेंस है वो 172 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों पारियों को निकाल दें आफ्टर एक्सक्लूडिंग बोथ इनिंग्स तो जो एवरेज आता है वो 2 कम हो जाता है। हमें फाइंड आउट करना है हाईएस्ट स्कोर। अब क्या क्वेश्चन में करोगे, 40 इनिंग्स का 50 एवरेज यानी 40 × 50 करोगे, 2000 हुआ आपका, क्लियर, यही करोगे। फिर आप क्या करोगे, एक्सक्लूडिंग 2 को एक्सक्लूड किया यानी 38 बचा, 38 का एवरेज कितना आ गया, 48। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो घटाओगे वो दोनों नंबर आ जाएंगे, जो हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर एक्स प्लस वाई आ जाएंगे। यहाँ से आपका एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 172, तो आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। आपका ये हो गया बेसिक तरीका जो आप करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 40 इनिंग्स का एवरेज है 50, क्लियर। अब कितनी बची एक्सक्लूडिंग, मतलब कि आप एक्सक्लूडिंग इन दो को एक्सक्लूड किया 38 बची, 38 का एवरेज कितना आ गया, 48, ठीक है। तो ये जो दोनों निकली हैं, अब ये दोनों अपना अपना 50-50 तो लेके निकली थी, अपना अपना 50 लेके निकल जाती तो कोई एवरेज में चेंज आता नहीं आता। एवरेज में चेंज कितने का आ गया है, 2 का। 2 का चेंज किसकी वजह से आया, 2 किसके किसके लेके गई हैंगे, इन 38 के ये 2 लेके चली गई है, यानी 38 के 2 लेके चली गई है, यानी टोटल ये 76 लेके गई, भाई इनको 76 और लेके चली गई, तो ये कितना लेके गई, 176, यानी जो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर था वो 176 था टोटल दोनों मिला करके, यही आप यहाँ से निकालते तो x प्लस वाई 176 आता। अब जब आपने 176 निकाल लिया कि जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर है वो दोनों 176 है, तो अब आप ऐसी गलती मत करना कि x प्लस वाई 176 करना और x माइनस वाई 172 करना। इसको कैसे ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि डिफरेंस जो है 172 आ जाए, हमें तो ऐसे ही फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस 172 आ जाए, तो क्यों ना हम इसमें से पहले ही 172 घटा दे, तो कितना आ गया, 4। अब ये दोनों को हाफ ऑफ कर दो इसको और एक में 172 जोड़ दो, तो भैया एक का बताइए ये 172 ज्यादा हो गया इससे, क्लियर। 40 इनिंग्स का एवरेज 50 है, बड़े नंबर और छोटे नंबर का डिफरेंस 172 है, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो डिफरेंस आता है 172। हमें फाइंड आउट करना हाईएस्ट नंबर, आपका हाईएस्ट नंबर आ गया 174। 40 का 50 था, 38 का 48 था, ये दोनों अपना 50 तो लेके गई,
साथ में इन 38 का दो भी लेके गई, यानी 38 दूना 76 पॉइंट और लेके गई, यानी 176 रन चुरा ले गए, और 176 रन चुरा के ले गए टोटल ये, तो 176 अगर हमें बनाना है ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 172 है, तो क्यों ना पहले 172 डिवाइड कर वो घटा दे और उसके बाद में उन दोनों को हाफ करके एक में 172 जोड़ दे। ये हमारी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने की बात है, इसमें और कोई फार्मूला नहीं यूज किया हमने, ठीक है। तो इसको अगर ना समझ में आए कोई कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। चलिए इस पर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, पहले आप ट्राई कर लेना वीडियो को पॉज करके, फिर हम तो करा ही रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 42 पारियों का एक बल्लेबाज का औसत 30 है, 42 इनिंग्स का औसत जो है वो 30 है, अगर इनके हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो 100 है, और इन दोनों पारियों को अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो एवरेज 28 आता है, हाईएस्ट स्कोर निकालना है। वीडियो पॉज करके आप खुद कर सकते हैं। किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 है, यह जो उसके अधिकतम और न्यूनतम दोनों मतलब रनों का औसत रनों का जो अंतर है वो 100 है, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो इनका औसत 28 आता है, अधिकतम स्कोर निकालना। 42 का 30, दो निकल गए, 40 का 28 आ रहा है एवरेज, 40 का 28 एवरेज आया, दो निकल गया, यानी ये अपना 30 30 60 तो लेके गए हैं, साथ में जो है ये 40 के भी दो लेके गए 80, 140 ले गए, 140 का डिफरेंस कितना आ रहा है 100, इसको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस 100 हो, तो हम पहले 100 घटा दिया 40, यानी एक आ जाएगा 20 प्लस 100 और एक हमारा हो जाएगा 20, यानी बड़ा वाला नंबर पूछा है तो 20 प्लस 100 120, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में आप बताइए, आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं। ये वाला क्वेश्चन टाइप बहुत मजेदार था, नेक्स्ट वाला उससे भी ज्यादा मजेदार है। अभी आपने देखा बैट्समैन का तो एवरेज निकाल लिया भाई, बॉलर का भी तो कुछ एवरेज होता है भाई, वो क्या बॉलिंग ऐसे ही दौड़ता रहता है, नहीं तो देखो इसके बॉलर की अपने थोड़े से एवरेज निकालते हैं। तो एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज है 24.85, गेंदबाजी का औसत एक गेंदबाज का है 24.85 रन पर विकेट, भाई इनका औसत तो यही आएगा ना कि कितने रन दे करके एक विकेट लिया, यानी ये जो है 24.85 रन दे करके एक विकेट ले रहे हैं, ठीक है, यही इनका औसत हुआ रन पर विकेट। इन्होंने कहा कि अगले वाले जो मैच में था इन्होंने 5 विकेट ले लिए हैं 52 रन देकर। ये आप बुक में इसीलिए क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ के आप खुद से करना, क्योंकि आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे आप अपने तरीके से समझोगे, ठीक है। यहाँ पर हम केवल लैंग्वेज लिख रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे मैथ्स पढ़ाने में ये होती है हम आपको क्वेश्चन नहीं दिखा सकते डायरेक्ट, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा लाऊं और ऐसा करूं कि आपको क्वेश्चन भी दिखाऊं, ठीक है, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, अदरवाइज पूरा सेटअप तैयार है। 24.85 रन पर विकेट है बॉलिंग का एवरेज, 5 विकेट्स बनाता है 52 रन दे करके, 5 विकेट्स लेता है नेक्स्ट वाले मैच में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो उसका एवरेज है वो डिक्रीज हो जाता है 0.85 रन पर विकेट से, ठीक है। अब उसका पूछ रहा है कि जो लास्ट वाले मैच तक है ना उससे मतलब लास्ट वाले मैच तक यानी उसके पहले जो था वो उसका जो है एवरेज कितना था, सॉरी उसने कितने विकेट लिए हुए थे, यहाँ पर इसने 5 विकेट लिए हैं 52 रन दे करके, यहाँ तक की फाइंड आउट करना था कि इसके पहले इसने कितने विकेट ले चुके थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको एक 24.85 दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है देखो 52 रन दिए हैं 5 विकेट लेकर, तो इसका भी हम एवरेज निकाल सकते हैं भाई, 52/5 हो जाएगा, इसका भी एवरेज निकालेंगे आप कितना आएगा 5 कम 5 और ये 0, 5 को 20, 10.4 आ जाएगा एवरेज, डिक्रीज हो जाता है 0.85 से, यानी कितना बचा 24। जब भी कभी आपको ऐसा दिया हो कि एकदम एवरेज मीडियम का दिया हो, मीन दिया हो 24, ये था इसका, ये था इसका, ये आ गया है, यानी इन दोनों का मिला करके ये आया है कभी भी, और ये नंबर एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो और ये 24 ऐसे दिया हो, तो हमेशा समझ लेना क्वेश्चन को आप एक ही मेथड से सॉल्व करोगे, मिक्सचर और एलिगेशन वाले मेथड से, एलिगेशन और मिक्सर वाले मेथड से ही सॉल्व करोगे हमेशा। देखिए कैसे करेंगे, आपका आ गया 24.85,
क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए विकेट्स, विकेट्स हमें एक ही जगह दिए हैं। अगर इस वाले का एवरेज निकाल ले और इसका वो सॉरी इसका और इसका रेशियो निकाल ले, तो इस वाले पे 5 विकेट मिल रहे हैं तो इस वाले के हम विकेट्स निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते, 24.85, इसका हो जाएगा हमारा 10.4, दोनों का बीच का मीन क्या है 24, तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए ये करते हैं हम, घटाते हैं, ये आ जाता है 0.85। ठीक है, ये मेथड हमने नहीं सिखाया, बट अगर आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा सा पता होगा आइडिया, जिससे मैं सॉरी 24 - 10.6 आ गया, ये आ गया हमारा 13.6। क्लियर, ये गया ये गया, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, 5 = 17, 5 = 85 ना, और ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, और ये 3 = 36, 5 × 7 = 35, और 1 × 5 = 10, 17 × 1 = 17, और ये 17 × 6 = 102, यानी 16 और 1 का रेशियो आ रहा है। अब एक वाला किसका है 10.4 का, वो एक वाला कितने विकेट ले रहा है 5 विकेट, तो बता भैया 16 वाला कितने ले लेगा 80 विकेट। तो अगर उसने यहाँ तक का पूछा था कि कितने लास्ट वाले मैच के पहले तक के कितने उसने विकेट ले लिए थे, तो 80, अगर टोटल पूछ लेगा तो भाई 5 तो थे ही, तो लास्ट वाले तक की हमारे लास्ट में जो मैच खत्म होगा तब कितने विकेट आ जाएंगे उसके हाथ में, 85 विकेट। क्लियर, 24.85 रन पर विकेट उसका बॉलिंग एवरेज था। नेक्स्ट वाले में उसने 52 रन बनाए 5 विकेट लेकर के, इसका और कोई तरीका करोगे आप बहुत कठिन जाएगा। तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया 10.4, दो का एवरेज पता चल गया, मीन एवरेज दिया हुआ है 24, तो हमने इनका दोनों का रेशियो निकाला, एक का हमें 5 विकेट पता है इसका, तो इसका 16 रेशियो आ रहा है, तो 16×25 = 80 विकेट हो जाएंगे। क्लियर, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आप खुद बुक लेकर के सॉल्व करोगे और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप समझ में आ जाएगा कि आपने क्या सीखा। नहीं कर पाते तो फिर से आप वीडियो देखने चले आना, ठीक है, वीडियो वाली पढ़ाई में सबसे मजेदार तो बात यही होती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, जिनको सीरियसली पढ़ाई करनी होती है ऑफलाइन, ऐसा नहीं होता बेटा। अनवीप दूर सेट्टी जो कि जिसने IAS में फर्स्ट रैंक स्कोर की है ना, उसने भी यही बोला है कि उसने ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी। ठीक है, मोस्टली लोग ऑनलाइन करते हैं, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में वो जोश होना चाहिए कि यस आई कैन, तो आप में अगर आई कैन वाली फीलिंग्स है ना, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या क्या है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराती हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जब आप नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर देती हूँ, तो आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन जो आपका है वो होमवर्क में ये है कि एक क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 8 इनिंग्स, मतलब इसका जो 8 इनिंग्स का था वो कुछ एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, ही स्कोर्स 100 रन्स इन 9th इनिंग, ठीक है, 9th इनिंग्स में वो 100 रन स्कोर करता है एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 9 रन्स, उसका जो एवरेज है वो 9 रन्स जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एवरेज एक्स क्या था, 8 इनिंग्स में इसका कुछ भी एवरेज था एक्स वाई जेड, 9वीं इनिंग में इसने 100 रन बनाए, एवरेज इसका 9 रन इंक्रीज हो गया। अगर आप एक्स को फाइंड आउट कर लेते तो इसको तो एक्स प्लस 9 हो ही जाएगा प्रेजेंट एवरेज। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है तो आई होप कि आप ये इजीली से कर लेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है वो वही बॉलर के एवरेज पे है कि एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज जो है वो है 12.4 रन पर विकेट। ठीक है, अगली पारी में इसने 10 विकेट देकर के 52 रन लिए। ठीक है, अब उसका जो एवरेज है वो 4 बढ़ जाता है, आपको बताना है उसने टोटल कितने विकेट लिए थे, टोटल विकेट पूछ रहा है लास्ट वाले मैच के पहले तक के नहीं, यानी ये 10 विकेट्स भी ऐड हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको आंसर्स बता दूंगी अगर आपसे सॉल्व नहीं होता, और अगर आप कहेंगे मैम इनके सोल्यूशन भी दे दीजिए तो मैं सोल्यूशन भी दे दूंगी। वैसे दोनों ही क्वेश्चन वैसे जो हमने इस वीडियो में सीखा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में सीखा क्या है। ठीक है, तो 8 इनिंग्स का एवरेज कुछ भी था, 9th इनिंग में उसने 100 रन स्कोर किए, एवरेज जो है 9 रन बढ़ जाता है, उसको एवरेज फाइंड आउट करना है। एक बॉलर का एवरेज जो है 12.4 रन पर विकेट है,
10 विकेट और 52 रन देकर के उसने नेक्स्ट पारी में लिए, उसका एवरेज 4 बढ़ जाता है, टोटल उसने विकेट्स कितने लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप दोनों कीजिएगा और सोल्यूशन बताइएगा, और आप साथ में कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, आपको वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया। अगर पसंद आता है तो आपको क्या करना है, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।